एवं वन्य जीव, वन और उनके उसके प्रकार। भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैग्रोव वन इत्यादि प्रमुख हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे पश्चिमी घाट। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। रोजवुड, पाम, आबनूस इत्यादि इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये बायोम भूमध्य रेखा के निकट है और 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। यह बायोम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात में संजोए हुए हैं। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती है। अधिक तापमान और अधिक सांद्रता के कारण चौड़ी पत्ते वाली सदाबहार वृक्ष उगते हैं। इसका विशिष्ट स्थरण होता है। वनस्पति जीवन में इतनी विविधता पाई जाती है कि एक हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों की 200 से अधिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों और वृक्षों के बढ़ती हुई बेलें आपस में गुथकर फंदा जैसा बनाती हैं। इन बेलों को कठहलता या लियॉन कहते हैं। सभी ज्ञात कीटों की प्रजातियों में लगभग 70 से 80% उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में मिलती हैं। यहाँ पशु जीवन का बाहुल्य है और उनमें काफ़ी भिन्नता है। इसमें भूमि पर तथा वृक्षों पर रहने वाले दोनों जीव शामिल हैं। बिसवती वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन के सतह पर पत्तेदार बिथान का गठन करते हैं। बिथान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपातप वनस्पति का समर्थन करता है। विश्व भर में लगभग 80% जैव विविधता बृहस्पतीय वनों में पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि अमेजन वर्षा वन, अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम पे जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्ते वाली नमी युक्त वन है जो दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन में एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती हैं। पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वाले वनों द्वारा उत्पादित होती है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। यहां बांस, शीशम, चंदन इत्यादि की व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। ज्ञातव्य है कि पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतया शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, ना कि आर्द्र वन, जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आदि पाए जाते हैं। सूखे पर्णपाती वनों का विस्तार गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों से उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वर्ष में एक बार कई पत्तियां गिराने वाले होते हैं। उपोष्णकटिबंधीय वन उत्तर पश्चिम कश्मीर को छोड़कर खासी पहाड़ियां नागालैंड एवं मणिपुर में पाए जाते हैं। चीड़ इन वृक्षों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले वनों में बांज व ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। इसके अलावा बुरुंस या रोडोडेंड्रॉन जैसी झाड़ियां भी पाई जाती हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष हैं, अतः यह हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। अतः यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो यहाँ आपको बांज एवं बुरु जैसे पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है, परंतु चंदन के वृक्ष यहाँ नहीं दिखेंगे। रेड सैंडर्स दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेटेलिनस है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश में पालकोटा एवं सेसाचलम वृक्ष पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है।
इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग की चिपचिपे रस से श्राप के कारण लाल हो जाती है। भारत इसका मुख्यतः चीन और जापान को निर्यात करता है। इस वृक्ष का प्रयोग आयुर्वेदिक एवं सिद्धा दवाइयों को बनाने में, पूजा सामग्री में एवं पारंपरिक खिलौनों को बनाने में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि टैक्सस वृक्ष हिमालय के प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टैक्सस वृक्ष रेड डेटा बुक्स की सूचीबद्ध है। टैक्सस वृक्ष से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो विशेषतया कैंसर के प्रति प्रभावी है, परंतु इसका प्रयोग पार्किंसन रोग या पीढ़ी केंद्रीय ब्रैकेट में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग के विरुद्ध भी किया जाता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मैग्रोव सदा पर्णी वन तथा पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं। भारत के रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार देश में कुल मैग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। देश में सर्वाधिक मैग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल 42.33%, गुजरात 20.50%, अंडमान निकोबार 12.34% तथा आंध्र प्रदेश 8.11% है। मैग्रोव वातावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य हैं, ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर तथा कर्नाटका 3 वर्ग किलोमीटर। मैग्रोव उष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों में लवणीय जल में उगने वाले वन हैं। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र तथा तट के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं तथा तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। इस प्रकार ये तट रेखा को स्थिर रखते हैं तथा समुद्र द्वारा कछाव से रक्षा प्राचीर का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अति विशिष्ट प्राकृतिक निकाय माना जाता है। मैग्रोव गरान वन सुनामी एवं चक्रवात जैसे तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं। यह वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान एवं ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। ओडिशा तट बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। ये चक्रवातों में आने वाले बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। मोगाब्र वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। हाल के ही दिनों में महानदी डेल्टाई क्षेत्र में मैग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, जिससे चक्रवातों में होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र में ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। मैग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष का विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भीरतकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी बैतरणी एवं महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसार स्थल है। यहाँ रामसार इराक में स्थित एक शहर है, जहाँ 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर अभिसमय को अपनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानतव्य है कि गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है।